बेटा थर्ड लाइट पे करते कम। मेरा शोहर का नाम मोहम्मद जावेदुद्दीन है। मेरे शोहर ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी होकर 9 साल हो रहा है उनके। मेरे को 2 बच्चे हैं, 5 साल का लड़का है, 21 दिन की बच्ची है मेरे को। मेरे को रखते पर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं करके ना जाके जजीर गुट्टे में शादी कर रहे थे। मैं जाके मेरे को कन्फर्म होते कि मैं जाके शादी को रुका दी। पहाड़ी शरीफ PS में कंप्लेन में लिखाई मैं पहाड़ी शरीफ PS में कंप्लेन लिखाई। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने मेरे को 2 बच्चे रखते पर भी क्या बोलते सके जाके शादी कर रहे थे। मेरी शादी हो गया 9 साल हो रहा, 9 साल कंप्लीट हो गया मेरी शादी हो के। ये कब से चल रहा है नहीं मालूम, खाली शादी करते बोल रहे थे। और उन्होंने शादी आज करने जा रहे हैं, तो मेरे को फोन कुछ भी नहीं बोले, क्या भी नहीं बोले मेरे को। खाली ऐसा मैं बच्ची से बात कर रहे थे बोल के, मैं शक्की बनी है। तो उनके भौने को फ़ोन नंबर मेरे को मिला था, मैं फ़ोन नंबर पर फ़ोन करी तो उन्होंने बोले फ़ोन करके, नहीं अम्मा अभी 2 दिन के बाद मैंने आज शादी है उनकी, 2 बजे निकाह खानी है। बोलता ठीक है मैं आ रही हूँ बोल के मैं वहाँ पर उनके घर पर बच्ची वालों के घर पर गई। जाके मेरे सियान अम्मा शादी की कैसेट और ये 2 बच्चों को लग जाके प्रूफ बताई, तो वो बच्ची अनमेरिड है गए, इन्हों अनमेरिड है बोल के शादी कर ले रहा हूँ बोल के बोले वहाँ पर। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, क्या भी नहीं हूँ मैं बोल के ना अनमेरिड है बोल के शादी करने के वास्ते गए वहाँ पर। देखो ये जो मेरे पास मासूम बच्चे, ये 5 साल का बच्चा है, ये 21 दिन की बच्ची है, क्या बोलते सके लोग, आप मेरे लिए हक का इंसाफ करिए। मैं पहाड़ी शरीफ में PS में कंप्लेन भी कर रही हूँ लोगों को, और मैं मीडिया से गुजारिश कर रही हूँ मेरा हक का और मेरी ज़िंदगी का फैसला करिए भाई, मेरे से गुजारिश कर रही हूँ मैं आपसे। मेरा नाम सैयद तौसीफ़ है, मैं वही महल्ले का रहने वाला हूँ, जगतगीर गुट्टा खुदबुल्लापुर। ये जो मसला है आज हमारे को सामने आया, मतलब हमारे को ये मालूम था कि बच्ची की शादी हो रही, महल्ले की बच्ची है। तो कल सांचक हुई, सांचक में पूरा फ्रिज TV से ले के A to Z हर सामान दिए, वाशिंग हर सामान दे दिए, LED सब दे दिए। और वो सामान ले जाते वक्त वो बच्चे के वालदा बहना भाई और वो वाजिद नाम का बच्चा जावेद नाम का बच्चा वो सब लोग आए थे। जब तक के हम लोगों को कुछ नहीं बोले, उनके पहली बीवी को अल्लाह जाने कैसा इतला मिली, उनको इतला मिलते ही उन लोग हमारे को खबर करे कि ऑलरेडी बच्चा शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है बोल के। पहाड़ी के घर के आजू-बाजू वाले बोले, ये पहाड़ी शरीफ के लोग बोले, संतोष नगर के लोग नहीं बोले। और हमारे को गुमराह किया गया है कि बच्चा संतोष नगर में रहता बोल के। हम लोग वहाँ इंक्वायरी करे, उनके बड़े बीवी बोलने के बाद में हमारे पता चला कि पहाड़ी का बच्चा है। ये है भाई तफसीलात पूरी। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं, हम लोग महल्ले वाले हैं, कानून से इंसाफ चाह रहे। वो बच्ची आज फांसी डालने के मर जाने वाली थी, ये पूरे महल्ले वाले मिलके फांसी डाल लिए थे, उनको बचाए, अल्लाह का फजल है, शुक्र है। और हम पुलिस वालों से यही चाह रहे कि हमारे इंसाफ दिलाए, उनके बहन भौनई और बच्ची की वालदा भाया बहना सब मिले हुए हैं। ये क्यों बोले तो कल सामान ले जाते वक्त पूरे जने आए थे, उनकी फैमिली बच्चे की, उन लोगों के नाम, माँ का नाम इशरत अफरोज है, वो बहन का नाम अमरीन बेगम है, वो भाई का नाम वाजिदुद्दीन है, और सिस्टर इन लॉ मोहम्मद बशीर, ये ना हाँ, ये सारे लोग आए थे। ये बस कानून से इतना ही मुतालिबा कर रहे कि सामान और जो हमारा नुकसान हुआ, जो फंक्शन हॉल में रेडी हो गया था, वो सब वापस हमारे को दिलाए, नुकसान का हर्जाना दिला दे और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बस इतना ही उम्मीद है कि जैसा वो किसी और के साथ धोखा नहीं करे। बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।